हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट के बारे में आज कुछ अपडेट आई हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही इस वीडियो में नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, सुपर टेट के बारे में एंड यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इनके नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षक भर्ती की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर जरूर जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोग देख सकते हो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर आज की अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब जो है लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी जो है भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ एआरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जो है केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा ना कराने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी के जो है 4163 पदों पर भर्ती के लिए जो है 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और जो है परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नव नियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्य, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी जैसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा और उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी होंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। तो यहाँ पे देखना, एक न्यूज़पेपर की कटिंग और भी वायरल हो रही है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो सकता है। जनवरी में, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि आपका 2024 में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही टीजीटी का, पीजीटी का और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये आपका 100% श्योर है कि 2024 में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ना ही टीजीटी का, ना ही पीजीटी का, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का और ना ही यूपी टेट का नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और ना ही शिक्षक भर्ती का कोई भी शॉर्ट नोटिस या फुल नोटिस कोई भी नहीं जारी किया जा सकता है। 2024 में 100% कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं जो भी बताता हूँ साफ साफ बताता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे क्या जनवरी फरवरी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है? मैं बता दूं, नहीं हो सकता है। आपके जो एग्ज़ाम हैं देख लेना, अप्रैल मई से पहले नहीं होगा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। अप्रैल मई से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक ना। जनवरी में आप सभी को पता है महाकुंभ है, ठीक ना। तो बहुत ही कम चांस है कि टीजीटी की परीक्षा हो जाए जनवरी में, ठीक ना। अभी केवल पेपरबाजी चल रही है, सभी को पता है। बाकी एग्जैक्ट जो आयोग की तरफ से अपडेट आनी चाहिए वो निकल के नहीं आ रही है, ठीक ना। अब यही आप लोग मान के चलिए कि अप्रैल मई से पहले आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहो। बाकी यूपी टेट का नोटिफिकेशन इस वर्ष भी नहीं आएगा, आपको मेले के बाद ही आपको जो है इसके बारे में कोई भी अपडेट देखने को मिलेगी। फरवरी के बाद ही आपको जो है कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बाकी सुपर टेट के बारे में बात करें तो जब तक यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आएगा तब तक जो है सुपर टेट का विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। बाकी शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।